आ जाओ आ जाओ, चॉकलेट 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 कम अथर कम। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बताओ कि जब ये वीडियो वायरल हो गया तो मम्मी पापा ने क्या बोला? मेरी मम्मी मना कर, जल्दी स्कूल चलो, स्कूल अंदर स्कूल जाओ ना, स्कूल जाओ। हाँ ना, हाँ सब लोग खुश हैं। हाँ कितने खुश हैं इधर, इतना बहुत सारा। और आप कितने खुश हो, आप कितने खुश हो, इतना सारा। देखिए ये बच्चे को। और आप मैम से कितना प्यार करते हो, इतना सारा। और मैम आपसे कितना प्यार करती है, इतना सारा। हैं उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उनके यहाँ महिलाओं की संख्या टीचिंग लाइन में कम है, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी मैम? मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि प्लीज़ टीचिंग करिए, बेस्ट ऑप्शन है। तो दर्शकों, प्रयागराज का जिस जयपुरिया स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था, मैम और एक शरारती छोटा सा बच्चे का, इस वक्त मैं उसी स्कूल में हूँ और मैम वही मैम है जिनको आपने देखा था। और ये आपको बता दे दर्शकों कि मैम का जो ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो से अपने भारत के लोगों ने तो सीख लिया ही लिया है, साथ ही साथ जो अदर कंट्री के लोग हैं उन्होंने भी हमारे इस वीडियो से, हमारे देश के इस वीडियो से, मैम के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है। उनका कहना यह है कि आप तो जानते ही हैं कि जो और इस्लामिक कंट्रियां होती हैं वहाँ पर क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो टीचिंग कम करती हैं, ठीक है, जिनके यहाँ अलाउड होता है वही एक तरह से, और बाकी ज़्यादातर जेंट्स ही काम करते हैं, ठीक है। और इससे ये भी कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सोसाइटी में अगर महिलाएं ज़्यादा अगर टीचिंग लाइन में आती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं तो उससे बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का जो है, जिस तरह से आप तो जानते ही हैं, घर में जो बच्चा होता है पिताजी का बात ज़्यादा ना मान करके माँ का बात ज़्यादा मानता है, क्योंकि माँ जो होती है प्यार से समझाती है, दुलार करके समझाती है, और पिताजी होते हैं थोड़ा जो होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं। सही बोल रहे हैं मैडम? मैम बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही पड़ोसी जो देश हैं उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उनके यहाँ महिलाओं की संख्या टीचिंग लाइन में कम है, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी मैम? मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि प्लीज़ टीचिंग करिए, बेस्ट ऑप्शन है। और काफ़ी अच्छा भी है, सेफ भी, आप लोगों के लिए भी, सबके लिए, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा ये चीज़, क्योंकि अगर एज अ मदर आप उनको पढ़ाती हैं, चीज़ें सिखाएंगी, तो काफ़ी वो सीखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, और वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। एक तरह देखा जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि जो है मतलब अदर कंट्री में कि मतलब महिलाओं को प्रेफर ना करके पुरुषों को आगे कर देते हैं टीचिंग लाइन में, तो इस पर क्या कहेंगी? क्या महिलाओं को जो है ज़्यादा प्रेफर जो नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगी कि मतलब उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, कि जिस तरह से महिलाएं घर में बच्चों को अच्छे से डील कर पाती हैं तो टीचिंग में भी, बच्चों को पढ़ाने में भी महिलाएं सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा सकती हैं? जी बिल्कुल, पुरुष भी निभा सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं निभा सकते, वो भी निभा सकते हैं, बट महिलाओं के चीज़ों में, जैसे कि जितना महिलाएं समझ सकती हैं बच्चों की फीलिंग्स को, उनकी थॉट्स को, उनके एक्सप्रेशन को, शायद उतना पुरुष नहीं समझ सकते। और समझते हैं, ऐसा नहीं बोली कि नहीं समझ सकते, समझते होंगे, बट महिलाएं काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो वो बच्चों की एक्सप्रेशन सारी चीज़ें समझती भी हैं, और वो अच्छे से, मुझे लगता है कि वो हर एक चीज़ पर अच्छे से खड़े उतरेंगे। तो प्लीज़ उन्हें चांस दीजिए और कुछ करने का उनको मौका दीजिए, वो बहुत कुछ करके दिखाएंगी। अच्छा मैम, क्या कहते हैं, जिस तरह से आप, जब से आपका ये वीडियो वायरल हुआ, बच्चे भी, सारे बच्चों में भी ये खबर चली गई है कि वीडियो वायरल हो गया मैम का? जी बिल्कुल, काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं, मैम लोग सब आके काफ़ी हमको बधाइयाँ दे रहे हैं कि मैम आपकी वीडियो वायरल हो गई है, और काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चों का भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
ये जान लीजिए। देखिए कि अब सोचिए, अभी तक बच्चों को ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन हाँ अब बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आया है ये सब चीज़ों की वजह से। नहीं सर, मेरी क्लास के बच्चों में तो बदलाव नहीं आया, वो जैसे पहले थे वो वैसे अभी हैं और वो वैसे ही रहेंगे। हाँ। क्योंकि वो बहुत छोटे हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बदलाव आएगा, क्योंकि जो भी है उनका नेचुरल है, कोई बनावटी है नहीं कि जो टाइम के साथ बदलता रहेगा। अच्छा मैम, जब से आप वायरल हुई हैं, क्या कहते हैं, रिलेशन के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आने शुरू हो गए होंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे रिलेशन के फ़ोन आ रहे हैं, दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी जिनसे बहुत दिनों तक बात नहीं होती थी उनके भी कॉल्स फ़ोन आ रहे हैं। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम देखा जाए तो अभी तक क्या था कि हम लोगों को भी जयपुरिया स्कूल का नाम नहीं पता था, ठीक है, लेकिन आज जिस तरह से आपका ये वीडियो वायरल हुआ, जयपुरिया स्कूल का नाम यहाँ से दिल्ली तक के लोगों के कानों में गूंज रहा है, तो उस पर क्या कहेंगी आप? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जयपुरिया स्कूल में पढ़ा रही हूँ, और मैं अपने थ्रू जयपुरिया नाम का स्कूल का प्रमोट कर रही हूँ, या फिर नाम कर रही हूँ आप बोल सकते हैं। हाँ। कि मैं नाम कर रही हूँ कि लोग यही बोलेंगे कि हाँ जयपुरिया की टीचर है। हाँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जयपुरिया का भी नाम हो रहा है। अब ये हमको तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम जब एडमिशन होगा तो जयपुरिया स्कूल में हो सकता है इतने बच्चों को एडमिशन हो जाए कि यहाँ पर सीट ही फुल हो जाए। क्या लगता है मैम आपको? जी सर, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि अगर एडमिशन होता है तो हम उनकी जिस उम्मीद से वो एडमिशन करवा रहे हैं हम उस उम्मीद पे उनके खरा उतरें, और अच्छे से जिस तरीके से जो भी सोच के वो एडमिशन करवाएंगे, जो भी सोच के वो जयपुरिया में अपने बच्चों को लेके आएंगे, हम उस उम्मीद पे खरे उतरें। अच्छा मैम, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है मैक्सिमम लोग इस वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम अब ऐसे ही करेंगी क्या, अब बच्चों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल ही करेंगी, या फिर क्या कहते हैं ऐसे पढ़ाएं किसी को पता ना चले, बच्चों को ऐसे पढ़ाओ बच्चे सक्सेस हो जाएं किसी को पता ना चले, क्या ज़रूरत है वीडियो वायरल करने का? कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं और कुछ लोगों का ये ऐसा कहना है, तो क्या कहेंगी इनका इस पर? मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वीडियो बनाएं या फिर वायरल करवाएं या फिर ऐसा, मेरा भी कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं फिर उसे वायरल करवाऊं। जी सर, वो अचानक से था, वो मेरा जो भी था नेचुरल था, और अगर इससे कुछ लोग अगर सीख ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर वीडियो तो देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मैं ही दूँ, कहीं से भी आए, लोगों को अगर सीख मिल रही है इससे, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इससे शायद एक चीज़ें देखने को भी मिलेंगी कि कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को हम, किस तरीके से हम इंक्लूड कर सकते हैं क्लास में, किस नई तरीके से हम उनको चीज़ें सिखा सकते हैं। तो सर यही मैं कह रहा हूँ। मैम क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर कोई जैसे अभी आप जो है फीमेल टीचर हैं, वो क्या कहते हैं छोटा सा बच्चा है, या वो बच्ची होती है और मेल टीचर होते, अगर इस तरह से करते, कुछ लोगों का कहना है कि उस पर FIR हो जाता, कुछ लोगों का कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो छोटा सा बच्चा है या बच्ची है और कोई टीचर है, तो बच्चे को आप जो है खिला सकते हो, उसको दुलार सकते हो, प्यार कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा जो है ट्विटर पर मैंने आज देखा है पोस्ट, क्योंकि होते हैं कुछ लोग ना लाखों में कुछ ऐसे हो जाते हैं जो ऐसा कहते हैं, उनको आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमेशा गलत हों। हाँ। अच्छी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो वो चीज़ें अच्छी दिखेंगी, और अगर आप उसे गलत नज़रिए से देखेंगे तो वो चीज़ें गलत दिखेंगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी हों। मैम क्या कहते हैं, एक वक्त था जब बच्चों की पिटाई किया करते थे टीचर्स लोग, आज वो वक्त है जब क्या कहते हैं आप लोग टीचिंग को एक नए स्केल पर ले जा रहे हैं, एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं, जहां पर बच्चों को ना तो डांटना है और ना ही उनको कोई पनिश करना है, ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से समझाना है। मैम क्या कहती हैं, जिस तरह से पहले वाला सिस्टम हुआ करता था पिटाई वाला, क्या वो वाला सही नहीं था? नहीं सर, बिल्कुल सही था, हमने भी पिटाई खाई हुई है, बहुत पिटाई मिली हमें भी। हाँ। तो मुझे लगता है कि सर वो टाइम अलग था, उस टाइम पे शायद वो चीज़ें काफ़ी लोग अच्छा मानते थे। हाँ। और उसकी ज़रूरत भी थी हमें शायद। हाँ। और अगर नहीं होती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। और सर पहले की सिचुएशन में अभी की सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, पहले काफ़ी लोग स्ट्रांग होते थे, अभी चीज़ें काफ़ी मल्टीमीडिया आ गया है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं,
तो चीज़ें काफ़ी अलग हो गई हैं, तो अभी सर इसीलिए, और उस टाइम पे भी ज़रूरी नहीं है कि सब मार ही खा रहे होंगे, कुछ लोग प्यार से भी ऐसे रहा होगा, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थी तो शायद इस वजह से किसी को पता नहीं चला, तो सर यही है। मतलब जो है सीधी सी बात है, बच्चों वो वाला ज़माना गया जब बच्चों को जो है बच्चों को पनिशमेंट दे करके उनको सुधारा जाता था, अब वो ज़माना है जब बच्चों को आप प्यार से सुधार सकते हैं। जिस तरह से मैम को देखा था आपने, मैम से मैम जब बोली कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो बच्चा किस तरह से उसको ऐसा लग रहा था कि मैम नाराज़ हो जाएंगी तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, एकदम सेम उसी तरीके से, इसलिए वो बच्चा जो है आपसे सॉरी बोलता है, माफ़ी मांगता है, ऐसे इसीलिए होता है ना मैम। जी 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 बिल्कुल, इतना हम सारे बच्चों से हमारे इतना इंक्लूड रहते हैं हम, और इतने प्यार से उनको संभालते हैं, इतना हम प्यार देते हैं, वो हमें इतना प्यार देते हैं, तो सर चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सर बस वही हम यही कहेंगे, जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, ठीक है जो सरकारी टीचर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैम से सीख लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी टीचर्स मतलब विद्यालयों में मैं देखता हूँ टीचर्स पनिश करती हैं बच्चों को, ठीक है, डंडे वगैरह यूज करके, तो ऐसे आप ना करिए, मैम से सीखिए, जिस तरह से मैम ने किया, जिस तरह से मैम ने बच्चे को इस तरह से मतलब उसको पढ़ाती हैं, वो बच्चा ऑटोमेटिक अगर मैम जो बोल दे रही हैं वो कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ और हर चीज़ उस माध्यम से कर सकती है, कुछ चीज़ें आप ऐसे आजमा कर देखिए, बच्चों पर बहुत असर पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगी मैम जाते जाते? जी सर बिल्कुल यही कहना चाहेंगे हम कि प्लीज़ टीचर्स एकदम प्यार से बच्चों को हैंडल करने की कोशिश करिए, जितना हो सके उनको प्यार दीजिए, और ऐसे ही अगर आप बच्चों को प्यार से रखेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो उनके नेचर पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले समय में वो भी जब बड़े होंगे, मे बी कुछ टीचर भी बनेंगे, तो शायद वो भी अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करेंगे, तो सर प्लीज़ अच्छे से पढ़ाइए उनको और एकदम प्यार दीजिए, और आप अगर उनको प्यार और रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको प्यार और रिस्पेक्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको।